प्यारे बच्चों, अभी तक हम YouTube पर पढ़ रहे थे और आज से हम स्कूल के अंदर लाइव पढ़ेंगे। और कितना अच्छा लग रहा होगा आपको स्कूल में आकर, आज बहुत खुशी मिल रही होगी। काफी टाइम से आप स्कूल में नहीं आ रहे थे। और मेरा नाम है रजनी चंदेला और मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। YouTube पर आप मुझे देख ही रहे होंगे, तो आज लाइव भी देख लीजिए। और हम लेसन चल रहा था हमारा प्राकृतिक संपदा, वैसे तो ये कंप्लीट हो चुका था लेसन, लेकिन अब आप लोग स्कूल में आए तो स्कूल में कुछ बड़े टीवी पर, बड़े स्क्रीन पर अच्छे से पढ़े, तो इसके लिए मैं वापस से शॉर्ट में रिपीट कर रही हूं। देखिए, हमारे जैविक चक्र चल रहे थे और जिसमें चक्र हमने बताए थे, कई चक्र बताए थे, तो हमारा पहला चक्र था उसमें जलीय चक्र। जलीय चक्र पृथ्वी के 75% भाग पर जल है बच्चों। जिसमें भूमिगत जल भी शामिल है, भूमि के जो अंदर रहता है भूमिगत जल वह भी शामिल है, जिसमें भूमिगत जल भी शामिल है। अधिकतर जल समुद्रों में है, महासागरों में है। कैसा है वो? खारा है। तो अधिकतर जल समुद्र व महासागरों में है, जो कैसा है बच्चों? महासागरों का जल कैसा होता है? खारा, जो कि खारा है। तो ये हमने जल के बारे में कुछ बातें आपको बताई हैं। तो पृथ्वी के 75% भाग पर जल है, जिसमें भूमिगत जल भी शामिल है। अधिकतर जल समुद्र व महासागरों में है, जो कैसा है बच्चों? खारा है। देखिए, जलीय चक्र समझाते हैं हम आपको। जल और थल दो बताए थे मैंने, जल भी है और थल भी है। तो हम शो कर रहे हैं कि ये जल है और यहां पर ये थल है, प्रदर्शित कर रहे हैं आपके सामने चित्र के द्वारा। जलीय चक्र यहां पर जल है बच्चों, तालाब समुद्र या नदी कुछ भी कह सकते हैं हम। तो यहां पर क्या है? जल। और ये क्या है? थल, जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए, यहां पर क्या है? भूमि के अंदर भी जल है और इसे बोलते हैं हम भूमिगत जल। जब गर्मी पड़ती है, सूरज निकलता है, तेज गर्मी पड़ती है, तो गर्मी कहां पड़ेगी? थल पर भी पड़ेगी बच्चों। देखिए, गर्मी है, ऊष्मा कहां आ रही है? थल पर भी आ रही है, पेड़ पौधों पर भी आ रही है और जल पर भी आ रही है। क्या आ रही है बच्चों? सूर्य की किरणें, ऊष्मा आ रही है। जब ऊष्मा आती है, सूर्य की गर्मी आती है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने अंदर जो जल होता है वह छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पत्तियों में, और उनसे जल भाप बन के उड़ता है। और जब भाप बन के जल ऊपर उड़ता है तो इसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहेंगे बच्चों? यानी कि वाष्प बनकर जल का उत्सर्जन कहां पर? पौधों से। इसी प्रकार जीव जंतु भी विभिन्न क्रियाकलापों में क्या करेंगे? जल का उत्सर्जन करेंगे, जो भी भाप बनकर, वाष्प बनकर ऊपर उठता है। ये तो स्थल की बात हुई बच्चों। अब देखिए, जलीय भाग पर देखते हैं। जलीय भाग पर क्या होता है? जल
स्थल की तुलना में देर से ही तो गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। जब सूर्य की गर्मी पड़ती है तो क्या होता है कि ये जो जल के अणु हैं वो क्या होते हैं, भाप बनते हैं। पहले तो क्या होता है कि यहाँ जो ऊपर की वायु है, यहाँ जो वायु है, हवा है, एयर है, ये क्या होती है, गर्म होती है। गर्म होने के कारण ये जल के अणु भी क्या होते हैं, गर्म होते हैं और क्या बनती है इनसे, वाष्प बनती है। जल की क्या बनती है, वाष्प, और वाष्प बनना कहलाता है वाष्पीकरण। क्या कहलाएगा बच्चों, वाष्पीकरण। अब देखिए कि क्या हुआ कि जब हवा गर्म होती है, पानी गर्म हुआ, भाप बनी, तो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। जब ऊपर उठती है तो साथ में पानी की बूंदों को भी अपने साथ ऊपर ले जाती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि वाष्प यानी कि जल की बूंदें भी क्या हुई, भाप बनकर ऊपर उठ गई, वाष्प के रूप में, किसके साथ, गर्म हवा। गर्म हवा और जो ये वाष्प है ये कहां गई बच्चों, ऊपर उठ गई। अब देखिए जैसे ही ये ऊपर जाती है तो खुला क्षेत्र मिलता है, तो यहां पर ये गर्म हवा ठंडी होती है। गर्म हवा ठंडी होती है तो ये वाष्प की बूंदें भी ठंडी होती हैं, और वाष्प की बूंदों का ठंडा होना कहलाता है संघनन। क्या कहलाएगा बच्चों, संघनन। तो ये पानी की बूंदें ठंडी होती हैं और क्या कहलाता है ये प्रक्रिया, संघनन। अब और बूंदें भी आती हैं और इकट्ठी हो जाती हैं, चारों तरफ बड़ी बूंदें बना लेती हैं। जब ये बड़ी बूंदें बन जाती हैं तो देखिए ये बादलों के रूप में, बड़ी बूंदें क्या होती हैं, ये बादलों के साथ, बादलों के रूप में बन जाती हैं। और जब ये बहुत भारी हो जाती हैं, पानी की बूंदें साइज में बड़ी हो जाती हैं, तो ये नीचे की तरफ बरसने लग जाती हैं, गिरने लग जाती हैं। क्या गिरने लगी बच्चों, बादलों से, ये बादलों से गिरी पानी की बूंदें, बड़ी बूंदें, पानी की बड़ी बूंदें, जो कैसी हो गई थी, भारी हो गई थी, जिनका वायुमंडल में रुकना मुश्किल था, इसलिए ये क्या करती हैं, नीचे की तरफ गिरती हैं। और जब ये नीचे की तरफ गिरती हैं तो इसे कहते हैं हम वर्षा। क्या कहेंगे, वर्षा। कई बार क्या होता है कि किसी किसी क्षेत्र में क्या होता है कि ये ज्यादा ठंडी हो जाती हैं, दाब बहुत क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ज्यादा ठंडी हो जाती हैं ये, और क्या होता है कि ये अब बर्फ का रूप ले लेती हैं। किसका ले लेती हैं, बर्फ का रूप, ओले का रूप ले लेती है, बर्फ का रूप ले लेती हैं, तो अब ये बर्फबारी के रूप में नीचे गिरती हैं। बर्फबारी भी हो सकती है, बर्फ भी नीचे गिर सकती है। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि जो पानी यहां से वाष्प बन के उठाता ऊपर, वह पानी की बड़ी बूंदे बन के वर्षा के रूप में नीचे बरस रहा है, या बर्फ का रूप लेकर भी नीचे बरस रहा है। वापस से ये भूमि में और नदी तालाब झरनों में या समुद्रों में आ जाता है, फिर वापस से भाप बनती है, फिर वापस बरसता है। तो इस तरीके से जलीय चक्र चलता रहता है, और हमारा जलकीय चक्र की, जो हमारा जल है जो प्राकृतिक संपदा में आता है, वह क्या रहता है बच्चों, संरक्षित रह पाता है। तो ये था हमारा जलीय चक्र। ये हमने पहला चक्र पढ़ा, जलीय चक्र, और आपको समझ आ गया होगा बच्चों। तो पहला चक्र कौन सा हुआ हमारा, जलीय चक्र। और जलीय चक्र को आप बना सकते हो और इसको लिख भी सकते हो, अपने शब्दों में भी लिख सकते हो बच्चों। तो इसको चित्र बना के अपने शब्दों में लिख के नोट्स बनाएंगे आप।
नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों नाइट्रोजन चक्र, दूसरा चक्र है हमारा, पहला चक्र था जलीय चक्र, दूसरा चक्र है हमारा नाइट्रोजन चक्र। मैं इसको संक्षिप्त में वापस से बता रही हूँ इन चक्रों को, क्योंकि आज आपकी स्कूल खुली है, आज आप स्कूल में आए हैं, लाइव स्क्रीन पर डायरेक्ट हमें देख रहे हैं, तो कम से कम आपके सामने ये रिपीट हो, तो इसीलिए मैंने ये चैप्टर का जो मेन जो चक्र है वो वापस से रिपीट किए हैं। हम नाइट्रोजन चक्र देखेंगे बच्चों, नाइट्रोजन चक्र आप जानते हैं कि वायुमंडल में विभिन्न गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें। तो जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वायुमंडल में वो नाइट्रोजन गैस है। तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। क्या है बच्चों? 78% नाइट्रोजन गैस है। अब देखिए ये नाइट्रोजन गैस तो है, लेकिन इसका क्या यूज है? देखिए ऑक्सीजन तो क्या काम आती है, आप कहेंगे कि मैडम श्वसन क्रिया में काम में आती है। कार्बन डाइऑक्साइड आप बोलेंगे कि श्वसन क्रिया में हम बाहर निकालते हैं, तो इस नाइट्रोजन का क्या उपयोग है? वायुमंडल में है तो ये सबसे ज्यादा है, तो इसका क्या उपयोग है? तो बच्चों इसका उपयोग, बहुत उपयोग है इसका हमारे लिए, जो आवश्यक बहुत सारे अणु है ना वो नाइट्रोजन से बने हुए हैं। तो जीवन के लिए आवश्यक बहुत सारे अणु, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत सारे अणु नाइट्रोजन से बने हैं। और ये जो बहुत सारे आवश्यक अणु हैं, इनमें आता है बच्चों प्रोटीन, सबसे ज्यादा जरूरी है, बॉडी की मरम्मत करता है, शरीर की मरम्मत और बॉडी बिल्डिंग के भी काम आता है बच्चों। तो हमारा विकास वृद्धि में भी प्रोटीन जरूरी है। तो जीवन के लिए आवश्यक बहुत सारे अणु नाइट्रोजन से बने हैं, जैसे जैसे प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड से होते हैं और अमीनो अम्लों में क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजन होता है। इसी प्रकार हमारे केंद्रक में क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए व आरएनए इन्हीं से बने हुए हैं, किससे? नाइट्रोजन से। और कुछ विटामिन्स भी इमीर क्या होते हैं? नाइट्रोजन होता है बच्चों। तो मेन तो हम देखेंगे यही है हमारा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, अमीनो अम्ल। तो कुछ विटामिन्स भी लिख सकते हैं हम, कुछ विटामिन। नाइट्रोजन जैसे ऑक्सीजन को डायरेक्ट हम ले सकते हैं श्वसन क्रिया में, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं श्वसन क्रिया में, लेकिन नाइट्रोजन का डायरेक्ट यूज नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष रूप से हम जो जीव जंतु हैं वो यूज नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष रूप से इसका उपयोग नहीं होता नाइट्रोजन का। तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट यूज नहीं होता तो कैसे होगा बच्चों? हम आपको बताते हैं अभी, आप थोड़ा सा ये नोट कर लीजिए। आजकल चना और मटर तो खेतों में बहुत लगी हुई है बच्चों, और चना मटर ये हैं और दालें बहुत सी ये हैं लेग्यूमिनेसी कुल, जैसे हमारा कुल होता है ना परिवार, जो वंश होता है उसी प्रकार से पौधों के भी वंश और कुल बनाए गए हैं। तो जो मटर है, चना है और अन्य दालें हैं, ये लेग्यूमिनेसी कुल के पादप हैं बच्चों। इनका कुल कौन सा है? लेग्यूमिनेसी। तो आजकल चना मटर तो उगी रही है, मटर तो खूब आती है, तो आप लेकिन इनके पेड़ों को देखना बच्चों, आप पेड़ को उखाड़ के देखना,
तो जैसे ये चना या मटर है, मटर में तो मटर देखते हैं, तो ये मटर है और इनकी जो जड़ें हैं उन्हों जो उनकी संरचनाएं हैं लास्ट में, वो ग्रंथिल होती हैं, छोटी छोटी ग्रंथियां सी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ग्रंथियां। और इन ग्रंथियों में पाए जाते हैं सूक्ष्म जीवाणु। क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीवाणु। ये मटर का पौधा है बच्चों, मटर का पादप, ठीक है। पादप क्या? बेल होती है, तो एक लता होती है, नीचे लेटी हुई होती है। तो ये मटर है और इसकी जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं और उसमें सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवाणुओं का काम क्या है कि वायुमंडल में ये जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल में है ये नाइट्रोजन, तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको ये डायरेक्ट क्या करते हैं? लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। और इस नाइट्रोजन को बच्चों, इस नाइट्रोजन जो ये नाइट्रोजन है इसको क्या किस में बदल देते हैं? ये नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं बच्चों। तो ये नाइट्रेट्स में बदल दिया, किन्होंने बदल दिया? सूक्ष्म जीवाणुओं ने बदल दिया। किसको? नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल दिया। और इस प्रकार से वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलना कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडल की नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स में बदलना कहलाता है पौधों के द्वारा, हरे पौधों के द्वारा, और वो भी मेनली मटर, चना, इनके द्वारा, हरे पादपों के द्वारा। नाइट्रोजन को किस में बदलना? नाइट्रेट्स में बदलना कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि इन हरे पौधों ने नाइट्रोजन है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको किस में बदल दिया? नाइट्रेट्स में। और इन नाइट्रेट्स का यूज कौन कर लेते हैं? आप प्लांट्स यूज कर लेते हैं, भूमि के अंदर भी नाइट्रेट्स आ जाते हैं, नाइट्रेट्स आ जाते हैं, और इनका यूज कौन कर लेते हैं? प्लांट्स कर लेते हैं। तो बच्चों अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। थैंक यू। स्वागत है बच्चों। तो अभी हम नाइट्रोजन चक्र देख रहे थे। नाइट्रोजन चक्र, तो इसमें मैंने आपको बताया लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलते हैं और इस क्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो अब हम नाइट्रोजन चक्र देखेंगे बच्चों, पूरा कैसे होता है ये साइकिल, कैसे किस तरीके से होगा। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। नाइट्रोजन चक्र देख रहे हैं हम। वायुमंडल में 78% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। तो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है N2 नाइट्रोजन, इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन यूज करते हैं बच्चों? हरे पादप, हरे पौधे, जैसे कि लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे। और ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अभी बताया था ना आपको, नाइट्रोजन स्थिरीकरण।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ, हरे पादपों ने क्या बनाया, नाइट्रेट्स बनाया। और अब इन हरे पौधों को किसने खाया बच्चों, जीव जंतुओं ने। अब क्या होगा बच्चों कि देखिए जो हरे पौधे हैं इनसे क्या बनती है बच्चों, अमोनिया बनती है। अमोनिया ये गैस है एक, अमोनिया तो अमोनिया गैस बनती है बच्चों। कौन बनाते हैं, हरे पादप नाइट्रेट्स को किसमें बदल रहे हैं, ये अमोनिया में। और अमोनिया का बनना कहलाता है अमोनियाकरण। इसी तरह जीव जंतु भी पेड़ पौधों को खाते हैं तो ये भी क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं बच्चों। इस अमोनिया को जो भूमि है उसके सूक्ष्म जीवाणु, भूमि में भी सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवाणु। अब यहां नाइट्रोजन गैस नहीं है, कौन सी है, अमोनिया। तो सूक्ष्म जीवाणु जो भूमि में होते हैं, भूमि के मिट्टी में जो होते हैं, वो इस अमोनिया को किसमें बदल देते हैं बच्चों, नाइट्राइट। ट्रेट नहीं बच्चों, नाइट्राइट। देखिए नाइट्रेट में तो NO3 होता है ऑक्सीजन के तीन ऑक्साइड के रूप में, और नाइट्राइट में होता है NO2, तो ये तो होता है नाइट्रेट और ये होता है नाइट्राइट। तो यहां पर तो इन्होंने नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ था तो किसमें बदली थी, नाइट्रोजन बदली थी नाइट्रेट्स में, किसमें बदली थी, नाइट्रेट्स में। और इसको कहा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यहां पर देखिए हरे पौधों ने क्या बनाई, अमोनिया बनाई, जीव जंतुओं ने अमोनिया बनाई। इस अमोनिया को सूक्ष्म जीवाणु जो भूमि में है वो नाइट्राइट्स में बदलते हैं, नाइट्राइट्स। हम देख सकते हैं कि ये जो अमोनिया है NH3 है, इसको किस में बदल दिया गया बच्चों, नाइट्राइट्स में, NO2 में। इसको हम बता सकते हैं कि इस तरीके से हुआ है, ये अमोनिया जो बनी है वो किस में चेंज हो गई है बच्चों, नाइट्राइट्स में चेंज हो गई है। अब ये नाइट्राइट्स चेंज हो जाते हैं बच्चों नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स में चेंज हो गए हैं ये। अब इन नाइट्रेट्स को वापस से हरे पौधे यूज कर लेते हैं, उपयोग में ले लेते हैं नाइट्रेट्स को। या फिर क्या होता है कि इन नाइट्रेट्स से वापस नाइट्रोजन बन जाती है, वायुमंडल में आ जाती है, और नाइट्रेट से वापस नाइट्रोजन का बनना कहलाता है डीनाइट्रोफिकेशन। कि वापस से नाइट्रेट्स किस में बदल गए हैं, नाइट्रोजन में बदल गए हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों की, बहुत तेज बिजली चमके, उच्च दाब हो। क्या हो बच्चों, बहुत तेज बिजली चमके या फिर क्या हो, उच्च दाब हो। तो बिजली चमकने पर या उच्च दाब पर, नाइट्रेट्स बन जाते हैं तो इसे कहते हैं नाइट्रोफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन बोल सकते हैं बच्चों इसे। इससे भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है। और देखिए कि जो वायुमंडल है या औद्योगिक स्थिरीकरण जो होता है, वायुमंडल या औद्योगिक स्थिरीकरण, इससे भी क्या होता है बच्चों, ये भी होता है क्या, नाइट्रेट्स बनते हैं। और इसे भी क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। तो ये था हमारा नाइट्रोजन चक्र जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आप इसे बनाइए।
तो ये हमारा दूसरा चक्र था, नाइट्रोजन चक्र। अब हम तीसरा चक्र देखेंगे बच्चों, कार्बन चक्र। तो कार्बन डायरेक्ट तो वायुमंडल में नहीं होता, गैस के रूप में होता है। कार्बन कौन सी गैस के रूप में होता है? कार्बन डाई ऑक्साइड के रूप में, और फिर बाद में वो चेंज होकर कार्बन में बदलते रहते हैं, और इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। कौन सा? कार्बन चक्र, जो कि हम अभी बताने वाले हैं आपको। अभी हमने आपको बताया था नाइट्रोजन चक्र। तो अब नेक्स्ट हमारा चक्र है कार्बन चक्र। अब देखिए बच्चों, वायुमंडल में क्या होती है? कार्बन डाई ऑक्साइड। हम श्वसन क्रिया में भी क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड। ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है। इस वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को हरे पादप, हरे पादप यूज करते हैं। क्या ये भूमि से जल, क्लोरोफिल होता है बच्चों, पत्तियों में हरा रंग होता है क्लोरोफिल, और सूर्य का प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पादप क्या करते हैं? कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। कार्बनिक यौगिक, और ऑक्सीजन गैस भी बनती है जो निकल जाती है। तो ये प्रक्रिया होती है पूरी की पूरी, जब हरे पादप क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तो क्या बनाते हैं बच्चों? कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं बच्चों। ये कार्बनिक यौगिक अपना भोजन बनाते हैं, और ये जो पूरी पूरी क्रिया होती है, इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधों ने क्या बनाया? कार्बनिक यौगिक बनाया। इन हरे पौधों को अभी हम बता ही रहे थे कौन खाते हैं? जीव जंतु। तो अब कार्बनिक यौगिक कहां चला जाता है? जीव जंतुओं में चला जाता है। जीव जंतु अपना भोजन ले लेते हैं पौधों से। पौधे ही ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बाकी अन्य जीव जंतु पौधे पर डिपेंड रहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो हरे पौधों ने क्या किया? अपना भोजन बना लिया, कार्बनिक यौगिक बना लिया, और इन कार्बनिक यौगिकों को, यानी कि हरे पौधों को जीव जंतुओं ने खाया, तो इनको भी क्या मिल गया? कार्बनिक यौगिक मिल गया। अब ये जो जीव जंतुओं को कार्बनिक यौगिक मिला है, उसका ये जीव जंतु यूज करते हैं, उपयोग करते हैं कौन सी क्रिया में? श्वसन की क्रिया में। तो श्वसन की क्रिया में क्या होता है बच्चों? श्वसन व विघटन की क्रिया में ये जो कार्बनिक यौगिक खाया था इन्होंने, उसकी ऑक्सीजन से क्रिया होकर क्या बन जाती है? वापस कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाता है। इसी तरीके से हरे पौधे भी क्या कर सकते हैं? ये इनमें भी श्वसन होता है, और इनसे भी क्या बन जाती है श्वसन की क्रिया में? पौधे से भी वापस कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है। हरे पौधे जब दबे रह जाते हैं, बहुत सालों तक दबे रहते हैं, तो बन जाता है कोयला। बहुत ज्यादा दबाव लगता है कोयले पर, तो ये किसमें हो जाता है? या हरे पौधों पर, तो ये चेंज हो जाता है पेट्रोलियम में। किसमें चेंज हो गया बच्चों? पेट्रोलियम। जीव जंतु भी दबे रह जाए तो ये भी किसमें बदल जाते हैं? पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। या जीव जंतु अकार्बनिक कार्बोनेट में भी बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? अकार्बनिक कार्बोनेट। जीव जंतुओं से अकार्बनिक कार्बोनेट भी बन जाता है।
ये तो हमने हरे पादपों से और जीव जंतुओं से देखा बच्चों कि किस तरीके से साइकिल चला है, कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे यूज हुआ, किस तरीके से यौगिक बना, कार्बनिक यौगिक बना, और वापस से कार्बन डाइऑक्साइड किस में आ गई, वायुमंडल में आ गई। अब ये कोयला और पेट्रोल वापस से इनका दहन होगा, वापस से इन लोगों का दहन होता है तो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदलकर क्या हो जाते हैं बच्चों, वापस CO2 बना लेते हैं। तो क्या होता है इनका दहन, दहन होने पर वापस से क्या बन गई बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है। किससे? पेट्रोलियम कोयला या कार्बनिक कार्बोनेट्स के जलने से। तो ये मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण बताई थी समझाने के लिए, शॉर्टकट में इधर लिखी थी बच्चों, यहां लिख देती हूँ इसको, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको बताई दी है, इसमें क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ, जल H2O क्या बनाते हैं बच्चों, जलीय कार्बोनेट। जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बनाते हैं जलीय जलीय कार्बोनेट, और ये बदल जाता है चूना पत्थर में। तो ये था हमारा कार्बन चक्र। तो अभी आपने कार्बन चक्र देखा, तीसरे नंबर का चक्र था ये, पहला जलीय, फिर नाइट्रोजन, और ये तीसरा था हमारा कार्बन चक्र। नोट कर लीजिए इसे। तो ये था हमारा कार्बन चक्र। नेक्स्ट चक्र देखते हैं हम, ऑक्सीजन चक्र, चौथे नंबर का चक्र है ऑक्सीजन चक्र। बच्चों जब से हमने आपको पढ़ाना शुरू किया था तब से आपका कोर्स कंप्लीट हो चुक गया है पूरा, एक लेसन बच रहा है आपका, लेसन नंबर 15, उसे हम नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट कर देंगे, फिर आपका रिवीजन शुरू करेंगे वापस से। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, जिनका छूट गया है, तो वो अब रिवीजन में दोबारा से पढ़ सकते हैं। वैसे आपका कोर्स हमने कंप्लीट करा दिया है जो आपके सिलेबस में आ रहा है इस बार, ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन को लिखते हैं बच्चों O2 से, और O2 वायुमंडल में है बच्चों, उपस्थित कितनी है वायुमंडल में है 21% ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के उपयोग देखें, तीन उपयोग हैं बच्चों ऑक्सीजन के। एक तो श्वसन में, किसी चीज को जलाने में सहायक है ये, तो, और तीसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्माण में, ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो ये तीन ऑक्सीजन के उपयोग थे। अब हम ऑक्सीजन चक्र देखते हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन है। बताइए बच्चों ऑक्सीजन क्या यूज आती है सबसे ज्यादा उपयोग, जीव जंतु पेड़ पौधे सब किस रूप में यूज करते हैं इसको, डायरेक्ट यूज करते हैं श्वसन की प्रक्रिया में, श्वसन में सांस लेने में ऑक्सीजन गैस ली जाती है, और कौन कौन यूज करते हैं इसे, जीव जंतु पेड़ पौधे।
श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस ली जाती है, और जब श्वसन की क्रिया होती है तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनके पास, किनके पास, जीव जंतुओं के पास, उन कार्बनिक यौगिकों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और ये कार्बनिक यौगिक बदल जाते हैं किसमें, जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो बन जाती है बच्चों श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से। यहां पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बन जाता है कार्बनिक यौगिकों का, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया। इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं बच्चों, हरे प्लांट्स, हरे पादप, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बने हैं तो इनका हरे पादप यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये बनाते हैं कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। किसमें बनाते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण। कार्बन डाइऑक्साइड का और पानी का यूज किया पौधों ने और क्या बनाए, कार्बनिक यौगिक बनाए बच्चों। इन कार्बनिक यौगिकों को जो पौधों ने बनाए हैं जीव जंतु यूज कर लेते हैं, या फिर यहां पर कार्बनिक यौगिक तो बने ही हैं, साथ में क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस भी बनती है, और वो ऑक्सीजन कहाँ छोड़ दी जाती है, वायुमंडल में। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, ये ऑक्सीजन चक्र था आपका, आप बना लीजिए इसे। तो आज हमने प्राकृतिक संपदा में चार चक्र देखे, जलीय चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र, ये आपके लिए रिपीट किए थे। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चों, नेक्स्ट टर्न पे नए लेसन के साथ 15 लेसन नंबर 15 लेकर आते हैं आपके लिए। तब तक के लिए ओके।